नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति का भी खुलासा हो गया है। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल कितनी संपत्ति है, वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं, कितना उनके पास कैश है, कितनी उनके नाम गाड़ियां हैं, कितना उनके पास सोना है, कितना हथियार है, ओवरऑल कितनी संपत्ति है, ये सारा खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री के हलफनामे के बाद। जी हां दोस्तों, कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस संसदीय क्षेत्र पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, और नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ही एक हलफनामा भी देना होता है, और उस हलफनामे में प्रत्याशी को अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिखाना होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को बनारस संसदीय क्षेत्र पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हलफनामे की जो कॉपियां हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं, और उन कॉपियों में विद प्रूफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ साथ 40 और उम्मीदवारों ने बनारस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो दोस्तों, हम अब नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल कितनी संपत्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं। एक एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुल संपत्ति के बारे में आंकड़ों के अनुसार जानकारी देने वाले हैं। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आखिरी तक बने रहें। तो दोस्तों, ये कल का फोटो है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बनारस पहुंचे थे, और नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया था। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रोड शो के दौरान मौजूद रहे, और नामांकन पत्र जब उन्होंने दाखिल किया था तो उस समय भी तमाम नेता मौजूद रहे। तो ये जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनको ये अपना नामांकन पत्र जमा करा रहे हैं। एक तस्वीर कल से ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और ये वायरल हो रही है। तो प्रधानमंत्री इस बार भी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र से, यानी कि दो बार जो प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल अपना लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो दोनों ही बार वो बनारस से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, और इस बार तीसरी बार भी वो बनारस से ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो ये तमाम सारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र में शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और ये सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जब नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया था, उसके बाद जब ये बाहर आए थे, तो अपने तमाम साथी नेताओं का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो क्लिप भी, एक नरेंद्र मोदी की वायरल हो रही है, जब उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया था, तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान एक शपथ भी ली थी, जो एक प्रक्रिया होती है नामांकन जब हम दाखिल करते हैं, उसी के तहत एक प्रक्रिया होती है, वो सभी प्रत्याशियों को पूर्ण करनी होती है, तो वह नरेंद्र मोदी जी ने भी की। तो अभी आपने देखा कि क्या कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने नामांकन पत्र के दौरान जो शपथ ली थी उसमें
क्या खाया था। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हलफनामे में जो संपत्ति का ब्यौरा निकल कर आया है वो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रैली और प्रधानमंत्री होने से पहले वो गुजरात के सीएम भी लगभग 12 साल रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी कितनी संपत्ति है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी नेता एक बार सांसद या विधायक हो जाता है तो उसकी संपत्ति का ग्राफ रॉकेट की तरह बढ़ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लगभग 12 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री होने के बाद कितनी संपत्ति है, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो कल जो हलफनामे की जो कॉपी आई है उसके अनुसार क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने हलफनामे में जो दिखाया है कितनी वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो उस पर हम नज़र एक डाल लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले जो 5 साल का जो ITR का रिकॉर्ड दिखाया है, इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिकॉर्ड दिखाया है वो इस प्रकार है, यानी कि ये उनका नाम है सेल्फ और ये उनका पैन नंबर है, और जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर हम बात मतलब वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का ये यहाँ पर ITR का रिकॉर्ड है। 18-19 में उन्होंने 11,14,230 रुपये जमा किए हैं ITR के रूप में। वही बात करते हैं 2019-20 में 17,20,760, 2020-21 में 17,07,930, 2021-22 में 15,41,870 और 2022-23 में 23,56,080 रुपये उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में जमा किए हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का ये आंकड़ा है। वही बात करते हैं उनकी धर्मपत्नी जी का यहाँ पर नाम है जसोदा बहन, उनके ITR का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उनकी कोई आय नहीं है। जब उनकी आय नहीं है तो वो ITR क्यों जमा करेंगी। वही उनके बाद उनके जो बच्चों वगैरह की जो डिटेल है तो इनके कोई संतान है नहीं, तो इस वजह से इनके बच्चों की कोई डिटेल हलफनामे में नहीं है। वही अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कितना कैश है। आमतौर पर कैश बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन इनके पास कितना कैश है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हलफनामे की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जी के पास कैश इन हैंड, यानी कि उनके पास कितना कैश है, तो ये दिखा रहे हैं 31-3-2024 तक का ये डाटा है। 31 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 24,920 रुपये एक खाते में है, वो एक रकम है, तो वहीं 28,000 एक और रकम है, यानी कि अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री जी के पास 32,920 रुपये इन हैंड उनके पास प्रेजेंट में धनराशि है। वहीं इनके जसोदा बहन के पास कोई भी राशि नहीं है, और इनके डिपेंडेंट जो हैं जो प्रस्तावक की यहाँ पर जो डिटेल है उनकी भी यहाँ पर कुछ भी धनराशि नहीं दर्शाई गई है। वहीं बात करते हैं कि डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दो खाते यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहला खाता उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक में गांधीनगर की ब्रांच में, उस खाते में प्रधानमंत्री जी के पास 73,304 रुपये दर्शाए गए हैं। तो वहीं एक और इनका दूसरा खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक में ही, जो शिवाजी नगर बनारस वाली ब्रांच में है, तो उस खाते में इनके 7,000 रुपये, यानी कि गांधीनगर वाली ब्रांच में 73,304 रुपये और बनारस वाली SBI बैंक में 7,000 रुपये इनके बैंक खाते में है। ये वाला रिकॉर्ड 13 मई 2024 तक का है, और ये दोनों यानी कि दोनों लास्ट परसों तक का ये इन्होंने अपना डेटा दिखाया है। वही बात की जाए SBI बैंक FD की, इनकी एक FD भी है SBI बैंक में, FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जो एक निश्चित जमा धनराशि होती है, वो इनकी है 2,85,60,338 रुपये। इन्होंने इतने रुपये अपने FD में बैंक में फिक्स कर रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट इन्होंने ये अमाउंट कर रखा है। वही बात करते हैं कि और यानी कि कैश के अलावा और इनके पास क्या क्या है, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो होते हैं डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उसका यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वहीं बात करते हैं डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन NSS पोस्टल सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो इंश्योरेंस की जो धनराशि होती है वो कितनी है, इंश्योरेंस वगैरह जो कराते हैं, तो इनका जो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के अनुसार 9,12,398 रुपये इनका इंश्योरेंस के रूप में दर्शाया गया है। वहीं बात करते हैं पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन कुछ नहीं है। मोटर व्हीकल की बात करते हैं, मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट शिप वगैरह, यानी कि कोई भी चार पहिया वाहन या वायुयान हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी है अगर होता है तो वो दर्शाना होता है, तो इनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि इनके पास अपना खुद का चार पहिया वाहन भी नहीं है, ना टू पहिया वाहन है, यानी ना तो इनके पास अपनी कोई मोटरसाइकिल स्कूटी है और ना ही इनके पास अपनी कोई भी कार वगैरह है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी कहीं भी यात्रा करते हैं या कहीं भी रैली या रोड शो करने या जनसभा करने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर और वायुयान के अलावा जब वो कार में सफ़र करते हैं तो वो कार प्रधानमंत्री जी की नहीं होती है, वो सारी सुविधाएं जो एक प्रधानमंत्री को दी जाती हैं उसी का वो हिस्सा होती हैं। वही बात करते हैं ज्वेलरी की, तो प्रधानमंत्री जी के पास गोल्ड रिंग्स 4 पीसेस, यानी कि 4 सोने की अंगूठियाँ प्रधानमंत्री जी के पास हैं, जिनका लगभग जो वजन है वो 45 ग्राम है, और अगर कीमत की बात की जाए तो 2,67,750 रुपये का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सोना है। वहीं बात की जाए एनी अदर एसेट सच एज द वैल्यू ऑफ क्लेम्स इंटरेस्ट वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर SBI प्लस PMO वगैरह से जो भी इनका जो इनकम टैक्स TDS जो बन रहा है वो बन रहा है 3,33,179 रुपये। वहीं अगर बात की जाए ग्रॉस टोटल वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संपत्ति की, तो ये आंकड़ा निकल के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 3,02,06,889। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुल जो संपत्ति है, यानी कि कितनी संपत्ति के मालिक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो कुल संपत्ति है इनके पास, जो कुल संपत्ति का जो आंकड़ा निकल के आया है वो है 3,02,06,889 रुपए के प्रेजेंट में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालिक हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति 12 साल मुख्यमंत्री और गुजरात जैसे राज्य का और उसके अलावा 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हो और उसके बावजूद उसकी संपत्ति की बात की जाए तो आखिर में 3,02,06,889 रुपये जब निकल के आती है तो ये उसकी तुलना में कुछ नहीं है। जब एक नेता एक बार सांसद या विधायक बन जाता है और उसके बाद जब सांसद विधायक बनने से पहले उसकी कितनी संपत्ति होती है और सांसद विधायक बनने के बाद यानी कि 5 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद जब उनके प्रॉपर्टी का कंपेयर किया जाता है तो रॉकेट की तरह वो 5 साल में अपनी संपत्ति बढ़ा लेता है, तो उसकी अपेक्षा अगर उसकी तुलना की जाए तो ये काफ़ी कम है। वहीं 3,02,06,889 रुपये में अगर टोटल देखा जाए क्या क्या है तो यहाँ पर 52,920 रुपये इनके पास कैश हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 इनके खाते हैं जिसमें से एक खाते में 73,304 रुपये हैं, तो वहीं दूसरे खाते में 7,000 रुपये हैं। एक खाता गांधीनगर में है, दूसरा बनारस में है। वहीं SBI में 2,85,60,338 रुपये की इनकी FD है, जो फिक्स डिपॉजिट धनराशि होती है। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इनके 9,12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इनके पास ना तो कोई अपना खुद का घर है, ना ही कोई जमीन है, ना कोई कार है, कुछ भी नहीं है। और 4 इनके पास सोने की अंगूठी हैं जिनका वजन 45 ग्राम है और कीमत की बात की जाए तो 2,67,750 रुपये टोटल इन उस सोने की कीमत है। तो वहीं अगर इनकी एक एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठता है तो हलफनामे के अनुसार जो एजुकेशन की जो बात आ रही है वो प्रधानमंत्री जी ने SSC की जो इन्होंने एजुकेशन की थी, मतलब 12th की जो इन्होंने परीक्षा पास की थी वो यहाँ पर गुजरात बोर्ड से की थी, क्योंकि गुजरात के ही हैं तो गुजरात बोर्ड से ये 12वीं की परीक्षा इन्होंने 1967 में पास की थी। वहीं बात की जाए बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी 1978 में,
और बात की जाए इन्होंने मास्टर डिग्री भी कर रखी है एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से 1983 में की थी। तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जान गए होंगे कि 12 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी ये मात्र सिर्फ और सिर्फ लगभग 3,02,06,889 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कि इतने अच्छे पदों पर इतने समय तक रहने के बावजूद भी इतनी धनराशि के ये मालिक होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे आपके अनुसार, पहले तो आप हमें कमेंट में ये बताएं। और साथ ही आपको इनके अगस्त में जो लगभग 40 उम्मीदवार यानी इन्हें मिलाकर टोटल 41 उम्मीदवार बनारस में इस बार इनके अगेंस्ट चुनाव मैदान में हैं, तो वो इनको टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बनारस से कितने वोटों से जीत रहे हैं ये भी हमें आप कमेंट करके बताएं। और जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार यानी अब की बार 400 पार का जो आंकड़ा है उसमें से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतने वाली है, वहीं अपोजिट की बात की जाए विपक्ष की बात की जाए तो जो इंडिया गठबंधन जो काफ़ी पार्टियों से मिलकर एक गठबंधन बना था लेकिन कुछ पार्टियां उसमें से निकल गई हैं, लेकिन जो भी पार्टियां बची हैं जहां भी जिस राज्य में भी चुनाव लड़ रही हैं टोटल कितनी सीटें इस बार इंडिया गठबंधन की आने वाली हैं वो भी हमें आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी उसके बारे में भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और हमारे चैनल पर जो अभी नए आए हैं नए दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि चुनाव से संबंधित और देश दुनिया की तमाम सारी खबरें जिन्हें आपको देखना बेहद ज़रूरी है सारी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़ों के साथ हम लाते रहते हैं, तो अगर आपको वो सारी खबरें सटीक आंकड़ों वाली सबसे पहले देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए जिससे और भी लोग देखें और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।